जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपकी आरएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जल्दी आपका पेपर है, उसके बाद चीजें शुरू करेंगे। अभी आपका जिला कंप्लीट करवा देता हूं। कल जोधपुर शहर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जोधपुर शहर का बाहरी भाग, जोधपुर ग्रामीण, यानी जोधपुर शहर को छोड़ दो, बाकी पूरा बाहरी भाग। अब आप नक्शे के अंदर भरना चाहो तो भर लो, मैं नक्शा लगा नहीं पाया थोड़ी जल्दबाजी की वजह से, आप भर लेना, नहीं भरो तो भी कोई बात नहीं, तहसील का नाम बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इधर से भरना शुरू करते हैं, जैसे इधर है पीपाड़, जोधपुर का शहर पीपाड़ यानी एक तहसील है। भोपालगढ़, ऊपर भर देना भोपालगढ़, सीधा बना लो, कोई कोई टेंशन नहीं है। बावड़ी, बावड़ी को नहीं, बावड़ी। ओसिया, बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है भाई ओसिया। फिर है यहां चम्मू, चम्मू। सिवरी, यहां यहां तिवरी, तिवरी है सिवरी, तिवरी तिवरी। शेरगढ़ हो गया, तिमरी हो गया, बालेसर, यहां बालेसर। क्या? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। फिर है झमर, ऐसे ही लिख देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, गदाई गद लिख दिया। फिर है लूणी, लूणी का विधायक लूणी। और फिर आ जाएगा आपका कुड़ीलम, और इधर आ जाएगा बिलाड़ा, विजय दान देता बिलाड़ा। बगतासनी भी है, ये मेन मेन है। तहसीलों से संबंधित इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हम जो है वो करते हैं मेन मेन चीजें, यानी आप ऊपर सीधा गुरुजी मेन मेन किए। जी हाँ, मैं बात करूं जोधपुर ग्रामीण की, कुछ चीजें तो बड़ी फेमस है, फेमस है। जैसे ओस यहां बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। कहां है जोधपुर? कहां? ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। पीपलूद स्थान, पीपलूद को तो चलो रहने दो। मथानिया, मथानिया नामक स्थान भी फेमस है, जहां की मिर्च फेमस है, मजा आ जाएगा खाके, मैंने अभी तक खाई नहीं, सुनी है, ठीक है। प्रमुख अगर व्यक्ति की बात करूं, अठे का व्यक्ति कौन कौन फेमस है? अमृता देवी, एग्जाम में इतनी बार प्रश्न आया है अमृता देवी का, इतनी बार, जितनी बार आपने पेपर दोगे उतनी बार प्रश्न मिल जाएगा आपको, घुमा फिरा के अमृता देवी से संबंधित प्रश्न पूछ ही लेते हैं। फिर इतिहास पुरुष दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। और फिर फेमस व्यक्ति इतिहासकार साहित्यकार विजयदान देथा, विजयदान देथा। तीन व्यक्ति जोधपुर ग्रामीण के बड़े ही फेमस है, माता अमृता देवी, वीर दुर्गादास राठौड़ और साहित्यकार विजयदान देथा। कला और संस्कृति की अगर बात, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, अब डिटेल कौन बताया, और तक में डिटेल अभी बताना शुरू नहीं किया, अब करूंगा शुरू, वो तो मैं था नहीं, शॉर्ट बता दियो, कभी जब था ना शॉर्टकट में कई बार काम करना पड़े, वो छोड़ दियो बारी पूर्वक। आई माता, आई माता बिलाड़ा, आई माता फेमस है, आगे जिक्र करें। तीन व्यक्ति याद रखने हैं, जो महावीर जी मंदिर, रामदेव जी मंदिर, सर रामदेव तो जैसलमेर यहां का भी फेमस है, और सूर्य मंदिर। मंदिरों में देखे तो ये तीन फेमस मंदिर है, ओसिया जगह फेमस है। तीन व्यक्ति जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर आ गए वो बड़े फेमस है। जिला मुख्यालय वैसे इसका जोधपुर ही रहेगा। मथानिया की लाल मिर्च फेमस है, सबको पता है। खेजड़ली घटना जो हुई थी बालेसर के अंदर, वो वैसे याद रखना, या कुछ बांध है छोटे मोटे पीछी आंख बांध है, वो बांध है, वो याद रखने में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं शुरू मुख्य मुख्य चीजें। लूणी नदी, लूणी नदी को हम सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, और वो जोधपुर शहर से ना होके अब उसमें एक जिला कौन सा शामिल हो गया, जोधपुर ग्रामीण से होते हुए गुजरेगी। फिर हम डिटेल में इसको लूणी नदी को जब ज्योग्राफी करें तब करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें कभी टुकड़ों में याद नहीं रह सकती। अगर आप जिले सेपरेट पढ़ रहे हो तो जिले में सिर्फ मंदिर पढ़ो, मस्जिदें पढ़ो, झीलें पढ़ो, खनिज, और ये टॉपिक जो है ना एनएच है, खनिज है, और या फिर आप जैसे नदी है, ये चीजें आपके जिले से कभी याद नहीं हो सकती, उसे सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक खनिज पढ़ा कि यहां से एक खनिज निकलता है, अगर आपने सेपरेट पढ़ा कि ये लोहा खनिज कहां कहां से निकलता है, तो याद ज्यादा रहेगा। आप पढ़ा लूणी नदी जोधपुर से, अरे तो पूरे जिले ही एक साथ याद कर, अब यहां जोधपुर आज पढ़ा
फिर दूसरा जिला आप लूनी नदी का फिर बाद में पड़ेगा, सांचौर बाद में पड़ेगा, फिर कोई और बाद में पड़ेगा। तो ऐसे टुकड़ों में याद नहीं होगी। ज्योग्राफी इसमें सिर्फ और सिर्फ जिलों में आप जो कल्चर की चीजें हैं वो सेपरेट तैयार कर सकते हो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर वगैरह जिले भी कर सकते हो, अभ्यारण्य भी कर सकते हो। लेकिन जैसे एनएच टुकड़ों में याद नहीं किया जा सकता, आपकी नदियां जो है सेपरेट नदी को लेके चलोगे तो ही नदी याद होगी। एक बात बता दी, एक गठी और बता दी, इससे काम नहीं चलेगा। जसवंत सागर या पीचियाग बांध बिलाड़ा, ठीक है, बांध नदी के ऊपर बना, पीचियाग पीछे दोस्तों पीचियाग कहां है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर, कहां, जोधपुर वैसे लूनी नदी पर स्थित है ये, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। 1889 में ये बांध बना था जसवंत सिंह द्वारा, जसवंत सागर भी कहते हैं इसे, पीचियाग या जसवंत सागर। तो आपने जो किताब ले रखी उसमें साइड में भर दो, चाहे वैसे भर दो, आपकी मर्जी है। अब अगर मैंने आपको पता है इतने जिले कराए, कहीं ये नहीं बताया जिले से ये एनएच गुजरता है, क्योंकि एनएच कभी टुकड़ों में याद नहीं हो सकता। मैंने कहा NH-62 यहां से गुजरता है, क्या ये याद रह जाएगा? पूरा NH-62 आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई औचित्य नहीं है। अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा, बिलाड़ा में क्या है अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र कहां है, बिलाड़ा, बिलाड़ा अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा। एक बड़ी फेमस जगह है खारिया खागार, खारिया खागार अब कहां आ गया, जोधपुर ग्रामीण, जे जे जोधपुर ग्रामीण, ग्रामीण में ये जी लिख देते हैं, जे जी समझ जाना आप, जे जी जोधपुर ग्रामीण क्या है सर, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना नहीं है, सबसे बड़ा कारखाना है, पहला तो है गोटना है, और ये सबसे बड़ा कारखाना है, याद रखना इसे, सफेद सीमेंट का बड़ा कारखाना, सफेद, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको गुरु नोट्स पे, सफेद सीमेंट का बड़ा कारखाना, बड़ा कारखाना सफेद सीमेंट का, इंडियन रेयान इंडस्ट्रीज द्वारा लिमिटेड द्वारा है ये। फिर आता है आपका मथानिया, बहुत क्या बात है, मथानिया लिखते जाना साथ साथ में, मथानिया सर, मथानिया नाम बहुत बोलो के बात है, जोधपुर ग्रामीण, चलिए मथानिया जोधपुर ग्रामीण। क्या कहा था फेमस है, लाल मिर्च, लाल डायरी है नहीं दिए, ये लाल मिर्च किसके लिए फेमस है, लाल मिर्च के लिए, अचार चूर बढ़िया गल है, बता कोई जोधपुर आओ तो ले आगे दे दियो। मसाला पार्क भी यही है, मसाला पार्क वेरी मसाला, और सौर ऊर्जा का केंद्र भी यही है, सौर ऊर्जा का केंद्र टक टक टक, ध्यान डाइवर्ट तो कोनी हो रही, ठीक है। राज्य की प्रथम फिल्म सिटी, गेड़ा हो गया फिल्म देखे डी है, फिल्म सिटी कहां, पाल, जोधपुर ग्रामीण, राज्य प्रथम फिल्म सिटी कहां है, पाल, कहां गया, जोधपुर ग्रामीण, शिल्प कला ग्राम का भी दर्जा है इसे। पहला स्पाइस पार्क, स्पाइसी, रामपुरा ओसिया में, यानी रामपुरा कहां, ओसिया, ओसिया कहां है, जोधपुर ग्राम में, स्पाइस पार्क है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल में थे कौन पढ़े डा, स्पोर्ट्स स्कूल हुए, हरियाणा में ज्यादा क्रेज है, हमारे राजस्थान में अभी हुआ नहीं, धीरे धीरे होगा। ये राज्य की दूसरी स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो यही खुली थी जोधपुर ग्रामीण में, अगणवा गांव में, अगणवा, राज्य दूसरी स्पोर्ट्स स्कूल, रेजियासी की याद, रेजियासी की। वन्य जीव अभयारण्यों के लिए तो फेमस है सर्वाधिक मृग वन, और अमृता देवी मृग वन भी यही है, वो भी लिख लो, अमृता देवी मृग वन, यही है, खेजड़ली के अंदर है अमृता देवी मृग वन। आप मृग वन जब पढ़ते हो ना अभ्यारण्य, वहां इसको पढ़ाए जाते हैं। एक चीज जो आपको एग्जाम के लिए, प्राचीन सूर्य मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर,
वेयर इज ओसिया, ओसिया कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण, मेन चीज तो यही है जोधपुर ग्रामीण, ओसिया। ओसिया का पुराना नाम बताते हैं उबकेश पटन था, यानी पुराना नाम है उपकेश पटन, प्राचीन नाम उपकेश पटन था ओसिया का। ये जो निर्माण मंदिर है ये वत्सराज ने करवाया था, जो एक प्रतिहार शासक था, यानी निर्माण किसने कराया, वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज, इस वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया था। ये राज्य का प्रमुख सूर्य मंदिर है, ये राज्य का प्रमुख सूर्य मंदिर है, इसे याद रखना। इसकी तुलना जो की जाती है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर से की जाती है, राजस्थान का कोणार्क कह सकते हैं, ब्लैक पैगोंडा, कोणार्क, ओसिया एक फेमस जगह। थोड़ा संचियाप माता जोधपुर, संचियाप माता कहां, ओसिया, संचियाप माता याद रहे, जैसे इंपोर्टेंट है। ये परमार राजा था उत्पल, उसने निर्माण करवाया था। ओसवाल जैनियों की कुलदेवी है, ओसवालों कुलदेवी, ओसवालों कुलदेवी। ओसवालों के वैसे हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना की कुलदेवी कह सकते हैं, जैसे सांप्रदायिक लोक देवता हमारे रामदेव जी ना, वैसे एक हरिहर मंदिर भी है, वो भी ओसिया में है। मंदिर वगैरह आप आराम से याद कर सकते हो, हरिहर मंदिर, ये भी कहां है, ओसिया। कल्चर में पढ़ते रहे। इस मंदिर में नव ग्रह भी स्थापित है, विष्णु की प्रतिमा है इसमें, हरि हर मंदिर के अंदर, ठीक है। महावीर जी का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ मिल जाएगी, था चिंता ना करो, थे तो बस देख बो करो, सागर लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है। वत्सराज ने करवाया था बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा कहां है, जोधपुर ग्रामीण, बार बार लिखो इसे। आई माता, वेरी इंपॉर्टेंट, आई माता, बिलाड़ा जोधपुर, आई माता कहां है, बिलाड़ा, बिलाड़ा कहां है, जोधपुर ग्रामीण। बचपन का नाम आई माता का जीजीबाई, जीजीबाई नाम था। ये सिरवी जाति की कुलदेवी है, यहाँ लो में लो टपकती है, जिसे केसर कहा जाता है, केसर टपकती है आई माता। आई माता के थान को दरगाह कहा जाता है, मेड़ा भी बढ़ता है शुक्ल पक्ष के अंदर इसका द्वितीया के, और इनके अनुयायी 11 नियमों को मानते हैं, तो वो सारी बातें आपको आती है, बस आपको याद रखना आई माता जोधपुर ग्रामीण में है। बडली का भैरव मंदिर, वो भी ओसिया के अंदर है, लिखो तो लिख लेना बडली का भैरव मंदिर। चलो मैं लिख दू, बडली भैरव मंदिर भी लिखती हूँ, बडली भैरव मंदिर कहाँ, ओसिया। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी रावसिया द्वारा बनवाया गया था, रावसिया बिरला का। कापरडा मेला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा। खेजरली मेला इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को है, तेजादशमी को, विश्व का एकमात्र पशु मेला है, सॉरी एकमात्र वृक्ष मेला है, ये याद रखना, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और रूपायन संस्थान इंपॉर्टेंट, बोरुंदा, रूपायन संस्थान कहां है, बोरुंदा, वेयर इज बोरुंदा, जोधपुर ग्राम, पूरा नाम को लिखिए, शॉर्ट में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना भी याद कर लेना, रूपायन संस्था की स्थापना जो हुई थी वो पूरी स्थापना 60 में हुई थी, 1960 के अंदर रूपायन संस्था। इसके संस्थापक भी याद कर लेना, कोमल कोठारी, संस्थापक कोमल कोठारी, और विजयदान देथा भी नाम आता है, दोनों का ही आता है, विजयदान देथा वह कोमल कोठारी, ठीक है। कलाकारों को श्रेय देना अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उनको है, विजयदान देथा बीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो याद रखना ही रखना, विजयदान देथा जिन्हें कहा जाता है बीजी शॉर्ट में, कहां, जोधपुर ग्राम, जन्म कहां हुआ, 1926 बोरुंदा, इनका जन्म बोरुंदा, ओसिया दो ही फेमस है ज्यादा ग्रामीण में, 1926 बोरुंदा सर कहां है, जोधपुर ग्रामीण,
इनकी रचना बड़ी फेमस है, बातारी फुलवारी, दुविधा जिस पर पहली फिल्म भी बनी थी, दुविधा, अनखु, हिटलर, तिडोसव, गोरा हट जा, विजयदान देता, बहुत फेमस है। विस्तार से कभी फिर चर्चा करेंगे, बस इतना याद रखना आप जोधपुर ग्रामीण में आ गए, पहले जोधपुर। एक शाखा है खेड़ापा, वो अब आ गई है जोधपुर ग्रामीण, खेड़ापा शाखा। सर क्या रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है, यानी रामस्नेही संप्रदाय की पीठ, रामस्नेही संप्रदाय की पीठ खेड़ापा, पहले जोधपुर पढ़ते थे अब जोधपुर का। अरणा झरना जलप्रपात, पूछा तो नहीं है, कोई फेमस तो नहीं है, तीर्थ के रूप में है वैसे तो, लेकिन ध्यान में रखो तो रख लेना। फिर हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ जी ने, इतिहास में हम पढ़ते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, ये कहां से थे, इनका जन्म 1638 में हुआ था, सालवा गांव, पहले जोधपुर लिखते थे अब जोधपुर ग्रामीण लिख दो, जन्म 1638 सालवा गांव, अब कहां है, जोधपुर ग्रामीण, पहले कहां था, जोधपुर में था। एक दो शिलालेख है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कौन सा घटियाला शिलालेख, याद रखियो टापरो, घटियाला शिलालेख इंपॉर्टेंट है, ये घटियाला शिलालेख, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है जो वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण मांग, बहुत इंपॉर्टेंट है घटियाला, 861 ईस्वी का है ये, 861 लिख ही लेंगे पूरी बात, क्योंकि शिलालेख थे पढ़ो को नहीं, ठीक है। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के हरिश्चंद्र से लेके ककुक तक की जानकारी मिलती है हमें, घटियाला का प्राचीन नाम रोहिंस था, तो इसको घटियाला शिलालेख इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। फिर बुचकला शिलालेख, ये भी यही है, ये भी कहां हो गया, ये भी जोधपुर ग्रामीण में हो गया, याद रह जाएगा। ओसिया का शिलालेख, ओसिया बताइए, कोसाना का एक छोटा सा युद्ध हुआ था, याद रखो तो रख लेना, जोधपुर ग्रामीण में, जब सातलदेव छुड़वा के लाया था गुंडला नर्ते, वो है कोई, और पिंपाड़ जो है वो भी जोधपुर ग्रामीण में आ गए। आलो टावरो सर दोबारा बताओ, लियो रिपीट मार लियो, ये कुछ तहसीलें थी जिनमें पिंपाड़ याद रखना, बिलाड़ा याद रखना और ओसिया याद रखना, ज्यादा यही काम आ रही है, बाकी कोई काम नहीं आ रहा है हमारी जीके के अंदर, ठीक है। ये तो शॉर्ट में बताया था, अश्व प्रजनन के अंदर बिलाड़ा, बिलाड़ा याद रख लेना तो जरूरती नहीं है, क्योंकि बिलाड़ा पहले से ही याद था, पहले जोधपुर बोलते थे अब ग्रामीण बोलेंगे। खारिया खगार, ये जोधपुर ग्रामीण में आ गया, सफेद सीमेंट का बड़ा कारखाना है। मथानिया जोधपुर ग्रामीण में आ गया, फेमस है मथानिया, याद रखना। और आगनवा ये अमृता देवी की मृगवन, ये तो याद रह जाएगा, ठीक है। सूर्य मंदिर बहुत फेमस है टाबरो, सूर्य मंदिर की मंदिरों के बारे में आए, तो सूर्य मंदिर ओसिया का बहुत फेमस है, वत्सराज ने निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर महावीर जी का मंदिर फेमस है, आई माता याद कर लेना, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में आई माता, आई माता, आई माता, ठीक है। रूपायन संस्थान बोरुंदा में आ गई, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण। विजय दान देता, दुर्गादास राठौड़ और अमृता देवी, ये तीनों ही महान लोग कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। खेड़ापा शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ रहे है, जिनमें जिनमें से एक पीठ खेड़ापा भी है, जो अब जोधपुर ग्रामीण में आ गई। विजय दान देता को याद रखना, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ हो ही गया, एक घटियाला शिलालेख आले चिटावर, जोधपुर ग्रामीण कंप्लीट। अब दो बच्चे अब भी जल्दी से आपको करवा दूंगा, आपकी गुन्नी जिले कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।